झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास का इलाका गूंज उठा। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि अन्य दो बदमाश भागने में सफल हो गए। घायल बदमाश को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से असलहा और कारतूस व बाइक बरामद। मुठभेड़ हुई है प्रेमनगर क्षेत्र में, क्या है पूरा मामला? थाना क्षेत्र प्रेमनगर में कुछ दिन पहले मोबाइल लूट की घटना हुई थी, जिसमें FIR पंजीकृत करके पुलिस टीम के द्वारा अपराधियों की तलाश की जा रही थी। उसमें CCTV और सर्विलांस के माध्यम से 3 अपराधी चिन्हित कर लिए गए थे। आज थानाध्यक्ष प्रेमनगर और SWAT टीम प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि वही अपराधी जो जिन लोगों ने लूट की है, वो तिराहे पर पुनः लूट की योजना बना रहे हैं। जो तिगैला तिराहा जो बल्लमपुर रोड पर है, यहाँ पर उनकी लोकेशन है। तो इनको जब दोनों टीम के द्वारा बनाकर घेराबंदी की गई, तो ये अपराधी वहाँ से भागने का प्रयास किए। जब इनकी घेराबंदी की गई, ललकारा गया, तो इन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। काउंटर अटैक में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जो घायल हो गया, उसको तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पूछताछ में प्राथमिक रूप से पता चला कि ये सुमित यादव, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, ये झरर घाट थाना तालबेहट ललितपुर का रहने वाला और वहाँ से जिला बदर भी है। ये पूर्व में इस पर गैंगस्टर भी लग चुका है। बाकी दो अपराधी फरार हैं, इनके बारे में भी हम लोग इनसे पूछताछ करके इनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करें। आज सर कितने लोग साथ में थे इनके? ये आज 3 लोग थे, 3 में जिसमें एक को गोली लगी है, बाकी 2 फरार हैं यहाँ से।